ये व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम डे वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि गाइस इस टाइम पर ना आप लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में ना गाइस जितने भी टेररिस्ट हैं उन सभी ने मिलिट्री बेस पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया और जितने भी मिलिट्री वाले बंदे थे सबको मार डाला है। कुछ कुछ बंदे बचे हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर थे, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि उन्होंने मिलिट्री कर्नल को भी गाइस मिलिट्री बेस के अंदर ही किडनैप कर लिया है। और वो लोग कह रहे हैं कि अगर तुम मिलिट्री कर्नल को छुड़वाना चाहते हो तो तुम्हें बिग माफिया के भाई को भी छोड़ना पड़ेगा। अब यार देखो, ये जो सीन है ना बहुत ज्यादा ही गलत हो गया है, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग दोनों साइड से फंस जाएंगे। अगर हम लोग बिग माफिया के भाई को छोड़ते हैं तब भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बिग माफिया का भाई बाहर निकलने के बाद हमें नहीं छोड़ने वाला। और अगर हम लोग बिग माफिया के भाई को नहीं छोड़ते तो जो टेररिस्ट है वो मिलिट्री कर्नल को मार देंगे। अब ये सब जो है गाइस, ये भी मुझे मिलिट्री के कुछ बंदों ने बताया था जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर है। तो जब मैं एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा था, मतलब जब मैं वहां पर पहुंच गया था ट्रेवर के साथ, तो सीन कुछ ऐसा हुआ था, वहां पर जितने भी मिलिट्री वाले बंदे थे ना उन सभी के ऊपर टेररिस्ट ने एक बड़ी सी शिप लेकर अटैक कर दिया। अब वो तो अच्छी बात ये है कि अपने पास उस टाइम पर आरपीजी वगैरह थी, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिफेंड करा और हम लोग वहां से जल्दी से भाग गए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इस टाइम पर ना गाइस मेरे हिसाब से टेररिस्ट ने मिलिट्री के एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी कब्जा कर लिया होगा। तो सिचुएशन यार बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अभी फिलहाल रात हो रही है और लेस्टर ने ना हमें अपने पास मिलने के लिए बुलाया। हम लोग लास्ट टाइम ना यहीं पर आकर छुप गए थे, क्योंकि यार मुझे ना इससे ज्यादा सेफ जगह कोई लग नहीं रही थी। लॉस सैंटोस में भी अभी काफी ज्यादा खतरा है। तो अभी फटाफट से गाइस अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकलते हैं। अभी जल्दी से मैं जाने वाला हूँ सीधा लेस्टर के सीक्रेट बेस के लिए, और देखते हैं लेस्टर में क्या प्लान बताता है। वो कह रहा है कि मेरे पास आओ, कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा जो कि हम निकालते हैं। अभी ट्रेवर यहीं पर खड़ा था शॉप पर, पता नहीं कुछ लेने के लिए गया था और पता नहीं वो कहाँ चला गया। शायद से मेरे को मिलने के लिए गया होगा वो पीछे। एक मिनट यार, ये ट्रेवर के ना गाइस एकदम अलग ही नशे रहते हैं, उसको लेकर आना पड़ेगा। ओ वो देखो वहाँ से आ रहा है, इसको लग रहा है कि मैं बाइक लेने गया हूँ पीछे, साथ साथ चलेगा। तो चलो कोई नहीं, भी फटाफट से गाइस हम लोग भी अपनी बाइक पर ट्रेवर को बैठाते हैं और फटाफट निकलते हैं सीधा लेस्टर के सीक्रेट बेस के लिए। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल मुझे तो ये नहीं मालूम कि आखिरकार लेस्टर हमें क्या प्लान बताने वाला है सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यार अभी ना लेस्टर को खुद पूरा का पूरा सीन नहीं पता है कि ये जो टेररिस्ट है भाई ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग लास्ट टाइम पे मिलिट्री बेस में चुपचाप से एकदम छुपते छुपते अंदर तक पहुंच गए थे और वहां पर जाकर हमने काफी सारे बंदों को भी मार दिया था। लेकिन एट द एंड हुआ क्या, उन सारे के सारे टेररिस्ट ने मुझे एक वेयर हाउस के अंदर बंद करके पूरा का पूरा घेर लिया चारों तरफ से आरपीजी लेकर, और हम लोग उन सभी टेररिस्ट के बीच में बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। और उन्होंने हमें साफ साफ धमकी दे दी थी कि बस अब तुम बिग माफिया के भाई को लेकर आओ, नहीं लाओगे तो यहीं के यहीं खेल खत्म करते हैं, वरना तो फिर बिग माफिया के भाई को लेकर आओ और मिलिट्री कर्नल को ले जाओ, वो भी एक दिन के अंदर। और उसे एक दिन के 12 घंटे तो अपने यूं ही बीत चुके हैं, यानी कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे और बचे हैं। और अभी ना मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार लेस्टर में क्या प्लान बताने वाला है और आने वाले 12 घंटे के अंदर हम लोग मिलिट्री कर्नल को बचा पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर उसको बचाने के लिए बिग माफिया के भाई को उसके हवाले कर दिया तो फिर भैया अपना गेम खत्म है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर सीधा लेस्टर के घर पर पहुंच चुका हूँ। अभी फटाफट से गाइस हम लोग अपनी बाइक को अंदर खड़ा करते हैं और जल्दी से चलते हैं सीधा लेस्टर के घर में। एक तो यार इसका बेचारे का छोटा सा घर है, ऊपर से गैराज भी नहीं है, बट हाँ जो भी हो ड्राइवर के घर से तो बड़ा ही है, लेकिन ड्राइवर के घर में गैराज है। वैसे 2-3 गाड़ी आ जाती है अंदर प्यार से और गेट लॉक कर रखा है भाई साहब ने आज भी। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल लेस्टर ने अंदर से गेट खोल दिया है, फटाफट से चलते हैं इसके पास और इसको पूरी की पूरी कहानी बता देते हैं कि ये जो टेररिस्ट है ना भाई बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस ये हमें कह रहा है कि तुम्हें ना मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ये अच्छे से जानता है कि ये जो टेररिस्ट है ना कितने ज्यादा खतरनाक है। और अभी ना फिलहाल इस खराब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इसने हमें एक बहुत ज्यादा तगड़ा प्लान बताया है, जो कि सुनने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है तो करने में भी बहुत ज्यादा ही खतरनाक होगा। लेकिन लेस्टर के प्लान हमेशा काम करते हैं, इसीलिए गाइस मैं इसे फॉलो करने वाला हूं। तो अभी ना फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि लेस्टर ने ना पूरी रिसर्च कर ये पता कर लिया है कि जो टेररिस्ट मतलब कि मिलिट्री बेस पर जिन्होंने कब्जा करा है वो लॉस सैंटोस को ब्लास्ट करने की बात कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा काम इनसे डगन बॉस करवा रहा है सिर्फ और सिर्फ बिग माफिया के भाई को बचाने के लिए। तो लेस्टर का जो प्लान है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। तो सीन कुछ ऐसा है, लेस्टर कह रहा है कि जो अपना दोस्त है ना, आप लोग को याद होगा जिसके घर में हमने गोल्डन कार्स रखवाई थी जो कि लेस्टर स्टैचू बेचकर लाया था, जिसका लॉस सैंटोस में सबसे बड़ा घर है, तो वो जो बंदा है ना वो डगन बॉस का भी दोस्त है और लेस्टर भी उसी को कॉल करने के लिए गया कि वो ना कुछ भी करके बस कल के दिन डगन बॉस को अपने घर
घर पर बुला ले, और अगर ऐसा होता है डगन बॉस लॉस सैंटोस उसके घर में आता है तो हम लोग उसके घर के अंदर घुस के, चाहे कितनी भी सिक्योरिटी हो, बिना सिक्योरिटी के तो डगन बॉस नहीं आने वाला, ये मैं 100% श्योर हूं। तो हमें बस वहां पर घुस के डगन बॉस को पकड़ना है, और अगर हमने ऐसा कर दिया तो जितने भी टेररिस्ट है ना वो सारे के सारे अपने नीचे हो जाएंगे, क्योंकि वो डगन बॉस की कमांड पे चलते हैं। लेकिन यार ये जो काम है बहुत मुश्किल होने वाला है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे बड़े हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि बिग माफिया के भाई को ही दे आते हैं, लेकिन यार देखो जैसा कि मैंने बताया था, बिग माफिया के भाई को दे दिया, अगर वो छूट गया ना तो फिर हम लोग नहीं बचने वाले यार, इसलिए वो प्लान एकदम ही बेकार है। तो अभी ना फिलहाल लेस्टर ने हमें यहीं अपने घर पर रुकने के लिए बोला है, और नेक्स्ट डे हम लोग यहीं से निकलने वाले हैं सीधा डगन बॉस को पकड़ने के लिए। और अगर वो लॉस सैंटोस में लेस्टर के दोस्त के घर पर नहीं आता है ना, तो वो जहां पर भी होगा, जिस भी कंट्री में होगा, उसको बस पकड़ कर लाना है, क्योंकि उसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग यहीं पर सो जाते हैं। लेस्टर पूरी रात जाकर पूरा का पूरा इंतजाम कर देगा कि क्या हमें कैसे करना है भाई, पता नहीं किस किस से वो कॉल पे बात करने में लगा हुआ है। तो फिलहाल हम लोग जल्दी से यहीं पर सो जाते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ, और गाइस अभी ना सुबह के 8 बज चुके हैं। जल्दी से चलकर हम लोग ना ट्रेवर को भी उठाते हैं और पूछते हैं लेस्टर से आखिरकार क्या प्लान है भाई साहब, इसने पूरी रात बैठकर यहाँ पर रिसर्च करी है। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर ट्रेवर भी अपना उठ ही रहा है, अभी देखते हैं लेस्टर हमें क्या बताता है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल प्लान के हिसाब से सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि डगन बॉस लॉस सैंटोस आ चुका है। इसके फ्रेंड ने एक पार्टी का बहाना देकर कल रात को इसको यहां पर बुला लिया था, उसने बोला था कि आज सुबह 10 बजे पार्टी है तो तुम्हें जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा, और डगन बॉस आ भी गया। तो अभी तो फिलहाल उसकी बिल्कुल खैर नहीं है। लेस्टर और अंडरवाटर माफिया ने मिलकर कल पूरी रात लगा दी और प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए, यानी कि डगन बॉस को पकड़कर लाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत थी वो सारी इंतजाम कर दिया है। ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ गन चाहिए और घुस के धमाका करना है। ड्राइवर अपने साथ है, अंडरवाटर माफिया गाइस आगे ही हमारा वेट कर रहा है। तो लेस्टर ने बोल दिया आगे एक रेलवे ट्रैक है, वहीं से लेफ्ट ले लेना अपनी बाइक को और वो तुम्हें मिल जाएगा। और भाई साहब रुक जाओ, अभी नींद खुली है इसलिए शायद माइकल ढंग से, मतलब मैं ड्राइव तो मैं ही कर रहा हूं। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल यहां पर रेलवे ट्रैक ओके। तो यहीं पर उसने कहा था अंडरवाटर माफिया हमारा वेट कर रहा है गाड़ी लेकर, और उसी गाड़ी में बैठकर हमें जाना है उसके घर पर अटैक करने के लिए, क्योंकि यार वो ना काफी ज्यादा सिक्योरिटी अपने साथ लेकर आया। ओके तो ये रहा अंडरवाटर माफिया। अभी एक काम करता हूँ, अपनी बाइक ना मैं यहीं पर छुपा कर खड़ी कर देता हूँ। ये बाइक तो टेररिस्ट ने दी है, बट बाइक ना सच्ची में काफी ज्यादा बढ़िया है, चलने में जो साउंड आता है ना भाई कसम से पूरा एकदम हार्ले डेविडसन वाला है। तो अभी जल्दी से हम लोग बैठते हैं इस गाड़ी में, गाड़ी काफी ज्यादा सही लग रही है वाली, तो लेट्स गो। अभी फटाफट से हम लोग गाड़ी के अंदर चलते हैं। चलो भाई अभी तुम लोग साइड हो जाओ। अभी यहाँ पर ये जो पीछे वाली गन है ना, मेरे को ये देखना है मैं इसे कहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। पता नहीं इसे ड्राइवर कंट्रोल कर पाएगा या फिर मैं। ओके तो इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके लेट्स गो, अभी फिलहाल जल्दी से अपनी गाड़ी को निकालते हैं और फटाफट से लेकर चलते हैं लेस्टर के फ्रेंड के घर पर। यार एक सेकेंड यहाँ से ओके ठीक है निकल गई। बाकी यार एक बारी मैं इसको टेस्ट कर लूँ फायर करके। ओ भाई इसके अंदर तो आरपीजी निकल रही है, काफी खतरनाक। सुबह सुबह ही धमाका कर दिया भाई, यहाँ के छोटे मोटे गुंडे बेमतलब फालतू बोलने लग गया सुबह सुबह, इनको लग रहा है अगला दिन नहीं देखना। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि आखिरकार ये लेसर ने इस खतरनाक से टैंक का इंतजाम कहाँ से करा है भाई। देखने में ना ये पूरा का पूरा टेररिस्ट का टैंक लग रहा है। और लो गाइस फाइनली हम लोग लेसर के फ्रेंड के घर भी पहुंच चुके हैं, और वो तो कह रहा था कि यार यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। ओ, 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 एक गार्ड खड़ा हुआ है भाई साहब गेट पे, ये कोई सिक्योरिटी होती है क्या भाई? मुझे लग रहा था भर के बंदे यहाँ पर आए होंगे। ओ भाई वो देखो सामने की तरफ में, थोड़े बहुत नहीं है गाइस, काफी ज्यादा बंदे यहाँ पर आ रखे हैं। मतलब कि इतना ज्यादा बड़ा घर है तो उसकी पार्टी में आ रहा है बंदा, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी सिक्योरिटी होती है, तब भी डगन बॉस अपनी अलग सिक्योरिटी लेकर आया है, यानी कि इधर डबल सिक्योरिटी होने वाली है। बट हाँ एक सिक्योरिटी हमें कुछ नहीं कहेगी क्योंकि वो लेस्टर के फ्रेंड की है। बाकी तो यार यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, और जितनी भी गार्ड है सारे के सारे डगन बॉस के बंदे हैं। तो मेन गेट से घुसना तो गाइस मेरे हिसाब से इस टाइम पर ना इम्पॉसिबल है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ना बैक साइड से हम लोग घर के अंदर चलते हैं, और ये वाले गेट पर भी दो दो बंदे खड़े हुए हैं। यार रुक जाओ, काफी सारे गेट है इस घर के अंदर, एक ना एक गेट तो होगा जहां से अपनी एंट्री हो जाएगी। भाई साहब टेनिस कोर्ट के अंदर भी इसने अपने गार्ड खड़े कर रखे हैं भाई। डगन बॉस की या तो हालत बहुत ज्यादा खराब है या फिर कुछ अलग ही सीन है, मतलब इसे पता तो नहीं है कि हमारे मतलब कि इसके ऊपर अटैक होने वाला है, और ये यहाँ पर हो ही ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कहीं ऐसा ना हो कि जो लेस्टर का दोस्त है वो डगन बॉस के साथ मिला हो और वो उल्टा हमें मरवा दे भाई। लेकिन ऐसा नहीं होगा यार, लेस्टर का अगर दोस्त है तो वो जेन्युइन ही होगा, लॉयल होगा। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग घर के पीछे से अटैक करें या फिर घर के सामने से अटैक करें, बात बराबर है, क्योंकि यार हमें ना पहले बाहर के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है उनको मारना ही पड़ेगा। अगर हम लोग इनको नहीं मारेंगे तो हो सकता है डगन बॉस कभी भी बाहर निकलकर अपनी गाड़ियों में बैठकर यहां से अगर निकल गया तो काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जितनी भी गाड़ियां
इन सभी गाड़ियों को ब्लास्ट करेंगे, बाहर जितनी बॉडी गार्ड है सबको मारेंगे और फिर ट्रेवर और अंडरवाटर माफिया को मैं बाहर की तरफ में रहने के लिए बोल दूंगा, ताकि ये ना ध्यान रखे कि कहीं से भी ना डगन बॉस घर के बाहर ना निकल पाए। वो 100% घर के अंदर ही है और हमें उसे घर के अंदर ही दबा के रखना है, ताकि हम लोग उसको टॉर्चर कर पाए। और हमें ना बस उसे टॉर्चर करके उससे ये बुलवाना है कि जितने भी टेररिस्ट है ना वो मिलिट्री कर्नल को छोड़ दे, अदरवाइज हम लोग डगन बॉस को मार देंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि डगन बॉस ये बात ना बोले, क्योंकि बिग माफिया के भाई की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी खुद की जान है, तो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करेगा। बाकी अभी ना फिलहाल गाइस टाइम आ चुका है अंदर घुस के इन सब की बैंड बजाने का, तो चलो बेटा निकलो यहाँ से अभी जल्दी से ना गाइस, अपनी गाड़ी अंदर लेकर चलते हैं। और बाहर की तरफ में जितनी भी सिक्योरिटी है ना गाइस, अभी मैं सबकी बैंड बजाने वाला हूँ। भाई साहब रख रख के गोलियां चला रहे हैं लोग, लेकिन अभी इनमें से कोई नहीं बचेगा, तुम्हारी ऐसे की तरह निकलो यहाँ से। पहले बाहर के सारे बंदों को मैं मार दूं, उसके बाद गाइस जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। मेन हमें ये ध्यान रखना है कि डगन बॉस यहाँ से निकल के ना भाग जाए। भाई साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी देख रहे हो तुम इसकी, चल तेरी ऐसे की तैसी। भाई ये जो गाड़ियां है ना ब्लास्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है, 3-3 आरपीजी पे बजानी पड़ रही है। अभी सारी की सारी गाड़ी भाई मैं इसी टैंक से फोड़ने वाला हूँ। भाई बहुत जबरदस्त टैंक लाकर दिया है लेस्टर ने। ओ, 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 सामने से इन लोगों ने भाई मारना शुरू कर दिया है। और अपनी गाड़ी भी कोई बुलेट प्रूफ व्हीकल नहीं है, ये भी ब्लास्ट हो सकती है। पीछे की तरफ में गाइस काफी सारे बंदे आए हैं और इसके अंदर से इतनी ज्यादा आरपीजी निकलती है ना भाई पूछो मत, रुक जाओ। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने आरपीजी मार मार के अपनी गाड़ी को आगे निकालने का पूरा रास्ता बना लिया है। और अभी ये जो डगन बॉस की गाड़ी है ना ये भी मैं फोड़ने वाला हूँ, ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। बाकी तो ये जितने भी बंदे है ना बहुत ही गंदी तरह हमारे ऊपर फायर करने में लगे हुए हैं। रुक जाओ, अपनी आरपी जो है सबकी बैंड बजा देगी, लेट्स गो। एक ये भी गया, एक गाड़ी और बची है, ये भी ब्लास्ट। फाइनली गाइस इसकी सारी की सारी गाड़ियां यहाँ पर मैंने ब्लास्ट कर दिया है, अब बस इसके बंदों को मारना है, उसके बाद घर के अंदर चलते हैं। अपनी गाड़ी भी साइड खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस आरपीजी से ना भाई इसका पता चला पूरा का पूरा घर ही तबाह जाए। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर ना थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, कोई सेफ जगह मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं अपने टैंक को रोक सकूँ। और लो भाई पानी के अंदर अपना टैंक गिर चुका है। जल्दी से ना गाइस गाड़ी से बाहर निकलते हैं, और जितने भी बंदे हैं ना गाइस अभी सबको बहुत गंदी तरह मारना पड़ेगा। तो ओके गाइस जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो बिना फिलहाल मैंने डगन बॉस के काफी सारे बॉडीगार्ड्स को अपनी M416 मार मार के डाउन कर दिया है, और यहां पर भी थोड़े बहुत बंदे और बचे हैं। तो सबसे पहले ना गाइस मुझे ना इस पानी से बाहर निकलना चाहिए, अपनी M249 को रीलोड करके अभी मैं इनके बहुत गंदी तरह बजाने वाला हूं। और एक सेकंड भाई पीछे की तरफ में भी बहुत सारे बंदे आ गए, इनको भी डाउन करते हैं भाई फटाफट से। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल बाहर की साइड में जितने भी बंदे थे ना ऑलमोस्ट हमने सभी को यहाँ पर मार के डाउन कर दिया है, बाकी अंडरवाटर माफिया और ट्रेवर बाकी बंदों को हैंडल कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ना गाइस मुझे अभी ना इस घर के अंदर एंटर होना चाहिए, और जो बाकी बचे कुचे बंदे हैं ना उनको मारना है और डगन बॉस को पकड़ना है। अब बस डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीछे वाली गेट से बाहर निकल गया हो, इसलिए इस साइड से नहीं मैं उसी साइड से अंदर एंटर होने वाला हूँ। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है वो बाहर नहीं निकल पाया होगा, क्योंकि इधर के बंदों को हमने ऑलरेडी मार दिया था, उसकी हालत खराब हो गई होगी भैया यहाँ से बाहर निकलने में। उधर का तो पूरा का पूरा वो लोग देख रहे हैं, यहाँ से मैं एंटर होता हूँ। बाकी ये वाले जो गेट है ना गाइस ये तो सारे के सारे लॉक रहते हैं, मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, एक यही वाला गेट है जो ओपन होता है। तो चलते हैं जल्दी से घर के अंदर, बट गाइस अंदर जाने से पहले अपनी गन को तो रीलोड कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गेट खोलूँ और सामने बंदे हो और मैं फायर करूँ तो एमओ ही खत्म। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी गन को रीलोड कर लिया है, सामने की तरफ में बंदे खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, सबको मारेंगे बहुत गंदी तरह। जितने भी बंदे हैं सबकी बहुत गंदी आज मौत आने वाली है। भाई साहब डगन बॉस के जितने भी बॉडी गार्ड है ना फुल आर्मर पहन के घूमते हैं, मतलब कि ऊपर से लेकर शूज तक पूरी के पूरी इनके पास आर्मर ही आर्मर रहते हैं। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर सब बंदों को मैंने बहुत गंदे वाला मारना शुरू कर दिया है, एक इस वाले गेट पर भी खड़ा हुआ है। भाई साहब डगन बॉस इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लेकर अपने साथ आएगा मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं अंदर ट्रेवर वगैरह को भी बुला लेता, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम आराम से चलेंगे सबको मारेंगे। और फिलहाल यहाँ पर जितने बंदे थे सबको मैंने डाउन कर दिया है, बट एक बारी मैं और चेक कर लेता हूँ यहाँ पर और भी बंदे हो सकते हैं। एक सेकेंड इस तरफ में काफी सारे बंदे थे, पहले रीलोड होने लग गई, एक मिनट पहले कवर लेते हैं, अब बोल बेटा तेरी ऐसी की तैसी। चलो यहाँ पर भी गाइस जितने बंदे थे सबको मैंने मार दिया है, रीलोड करते हैं। और इस टाइम पर ना गाइस टाइम आ चुका है बिग माफिया के भाई की स्पेशल मिनी गन निकालने का, और ये जो गन है ना भाई ये तो बहुत ज्यादा गलत तबाही मचाने वाली है, पूरा का पूरा घर तबाह कर सकती है। तो अभी ना फिलहाल मैंने यहाँ पर ये पीछे वाला रूम तो चेक कर लिया है, बट यहाँ पर ना एक रूम हो रहा है और शायद से ये किचन है, और इसके अंदर भी गाइस बंदे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर 2-3 बंदे थे इनको भी मैंने डाउन कर दिया। भाई साहब इस ये वाली मिनी गन खाने के बाद ये बंदा उठ जा रहा है, चलो कोई नहीं फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको मार डाला, इसके हेडशॉट नहीं पड़ा था ना इसलिए बच गया था। ओके तो ये मारा जा चुका है, इसके अंदर वैसे ज्यादा एमो नहीं है तो थोड़ा वो सोच समझ के इसे यूज करना पड़ेगा। ये वाले रूम के अंदर भी डगन बॉस नहीं है, तो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या पता वो अंदर हो सकता है। बाकी तो यहाँ पर एक बंदा और था इसको मैंने डाउन कर दिया,
जितने बंदे थे सारे मारे जा चुके हैं, एक बंदा मेरे को ऊपर से मारने की कोशिश कर रहा है। ओके तो ये रहा, चल तेरी ऐसे की तस्सी निकल यहाँ से। भाई साहब इसके बहुत गलत हेडशॉट पड़ा है। तो ओके अभी ना फिलहाल जितने बंदे थे मैंने ऑलमोस्ट सबको मार दिया है। तो गाइस मैंने नीचे वाला फ्लोर तो पूरा चेक कर लिया, वहां पर कोई भी नहीं था। बाकी ऊपर वाले फ्लोर पर यहाँ पर एक बंदा था, इसको भी मैंने मार दिया है। और अंदर वाले फ्लोर में भी जो बंदा है वो मारा जा चुका है। सामने एक खड़ा हुआ, चल निकल यहाँ से बेचारे को। ओ ओ अच्छा यहाँ से मार रहे, निकल यहाँ से बेटा। भाई साहब बिल्कुल एकदम छुप छुप के खड़े हो रखे कोने कोने में। लेट्स गो गाइस, ये वाला मैंने रूम चेक कर लिया बट यहाँ पर कोई भी नहीं है। और इस बंदे को देखो भाई साहब कहाँ छुप कर खड़ा हुआ था। ये सोच रहा था कि जब मैं यहाँ पर आगे जाऊंगा ना उसके बाद मेरी पीठ ही पीठ पे बजा देगा, लेकिन सही टाइम पर मुझे उसका हेलमेट नजर आ गया। अभी फिलहाल ना एक रूम इस साइड पर और है, जल्दी से हम लोग इसको भी खोल कर देखते हैं। और सामने से वो देखो वो बंदा हमें कहाँ से मारने की कोशिश कर रहा है। एक सेकेंड, इसके अपनी स्नाइपर बजानी पड़ेगी क्योंकि यार इसको ये वाली गन मारना थोड़ा सा मुश्किल है। लेट्स गो, एक ही शॉट में इसको डाउन कर दिया। अंदर वाले रूम में एक बंदा बैठा हुआ, ये भी गया, ये भी गया एंड ये भी गया। तो चलो तीनों बंदे गए। सामने की तरफ में एक रूम और है और वो इस घर का लास्ट रूम है भाई। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मैंने लेस्टर के फ्रेंड का पूरा घर छान मारा ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन मुझे डगन बॉस नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पीछे वाले रास्ते से ही निकल कर भाग गया हो, या फिर जो लेस्टर का फ्रेंड है उसने उसे बता दिया हो कि इधर तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है। और ये क्या है भाई, इधर गोल्डन पैंथर का स्टैचू है लेकिन ये फेक होगा, इसको ऐसे जमीन पे थोड़ी रखेंगे भाई, इतना महंगा स्टैचू है, ये फेक हो सकता है। अभी फिलहाल यार हम लोग ना जल्दी से अंदर चलते हैं, लास्ट रूम रह गया। इस रूम से मुझे बहुत उम्मीद है। ओ भाई साहब इसके अंदर भी यहां पर एक बंदा है और मेरे को ओके यार यहां पर भी कोई नहीं है। भाई साहब सच्ची में इतना ज्यादा बड़ा घर बना रखा है, पूरे के पूरे घर में हर एक विंडो पर इसने अपने बॉडीगार्ड खड़े कर रखे थे। वही मैं सोचूं कि जब मैं बाहर था ना तो अपनी गोलियां पड़ कहां से रही थी। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा आखिरकार बंदे हैं कहां पर, उसने मतलब कि बंदों को। वैसे गाइस एक सेकेंड, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था ना तो मैंने इस तरफ में एक रास्ता और देखा था। अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ओके हाँ मैं इसी रास्ते की बात कर रहा हूँ। यहाँ से भाई साहब यहाँ पर भी बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था। चलो कोई नहीं, सही टाइम पर मेरे को दिख गया। अब इसके मुंह पे बजाते हैं दो गोली, इसको साइड करते हैं। तो ये क्या रूम है, मैंने इस रूम में कभी नहीं आया। भाई ये बाथरूम है, वही मैं सोचू यार ये किस काम का रूम है। और यहाँ पर भी गाइस मेरे को ऐसा लग रहा बंदा है। ओके मेरे को आवाज आ रही थी बट यहाँ पर कोई नहीं है। जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये एक लास्ट गेट है बट ये मेरे को ना यहाँ इस घर के बाहर निकलने का रास्ता लग रहा है बट नहीं है। ये तो रास्ता भाई अलग ही बेसमेंट में जा रहा है। ओ वाओ इस घर में बेसमेंट भी है भाई साहब, मतलब कि सीक्रेट बेस बना रखा है यार इतने बड़े घर में। चलते हैं नीचे और चलकर देखते हैं यहाँ पर आखिरकार क्या सीन है। यहाँ पे इसने बॉडी गार्ड भर रखे होंगे मैं 100% श्योर हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पर ना जितने बंदे हैं सबको मैं गंदी तरह मारने वाला हूँ। ओके तो यहाँ पर जितने बंदे थे ऑलमोस्ट मैंने सबको मार दिया है। सामने की तरफ में एक बंदा और था, इसको मारा। ओ भाई यहाँ पर भी एक बंदा खड़ा हुआ है। ओके अभी जल्दी से हम लोग इनके भी बैंड बजाते हैं। और ये क्या है भाई साहब, इधर की तरफ में गेट है बट एक सेकंड पहले इनको भी अभी मैंने मार दिया। शायद से जो लेस्टर का फ्रेंड है ना वो इसीलिए इतना ज्यादा अमीर है क्योंकि उसने अपने इतने बड़े घर के नीचे इतना ज्यादा तगड़ा सीक्रेट बेस बना रखा है। और यहीं पर ना गाइस वो इन अल्कोहल को बनाता होगा, वो शायद से दूसरी कंट्री भिजवा देता होगा। फिलहाल यहाँ पर जितने बंदे थे मैंने सबको मार दिया है। और मुझे ना ओ भाई साहब ये अल्कोहल ही है, देख लो कैसे इसके अंदर आग लगी खतरनाक तरीके से। अच्छा हुआ कि मैंने ज्यादा फायर नहीं करा और मेरे पास तो इस टाइम पर फायर एक्सटिंग्विशर भी है जो इससे मैं बुझा दूं। ओके कोई नहीं अपने आप बुझ जाएगी वैसे। बाकी तो यार मुझे ये नहीं समझ आया था कि जब मैंने यहाँ पर फायर करा था ना तो गाइस शायद से ये खुल गया था। ओ भाई यहाँ पर ना गाइस आगे रास्ता है, ये देखो भाई ये जो गेट है ये ऐसे नकली बना रखे हैं। ये एक बैरल है, इसी के अंदर ना इसने, लेकिन ये असली है देखो, उसके अंदर भी यहाँ पर नल लगे हुए हैं बट ये भाई फेक है, बाकी ये जो दोनों है ना रियल है। अभी चलते हैं अंदर देखते हैं अंदर क्या है। 3, 2, 1 लेट्स गो गाइस, अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं आखिर उस पार इन्होंने क्या बना रखा है। अगर इस तरीके से बनाया तो कुछ ना कुछ कुछ ज्यादा सीक्रेटली बना रखा होगा। फिलहाल यहाँ पर एक दो बंदे और खड़े थे, इनको भी मैंने मार दिया। और वो वाला बंदा कैसे मारा गया मुझे ये नहीं मालूम भाई साहब, मतलब कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इधर की तरफ में तीन तीन बंदे मर गए हल्के से फायर में। चलो कोई नहीं, यहाँ के बंदों को तो मैंने मार दिया है। इस तरफ में गाइस एक गेट और है और ये आग वाग बुझाने के लिए पाइप लगा रखी है बट हमें आग यहाँ पर लगानी है ना कि बुझानी है। एक बंदा और था सामने, इसको मैंने मार दिया है और ये तो मेरे को सबसे पहले दिखा था। चलो इसको भी मैंने डाउन कर दिया। और सामने की तरफ में एक बंदा और है, फायर करता हुआ जाऊंगा मैं इसको मारने के लिए। ठीक है अभी गाइस मैं अपनी ना ये वाली गन हटाकर अपनी एक नॉर्मल सी गन निकाल लेता हूँ क्योंकि अंदर की तरफ में ज्यादा खतरनाक बंदे नहीं है। देसी कट्टा चलाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा, सीधा मत्थे मत्थे पे बजाना है और इनका खेल खत्म करना है। इसके अंदर 7 ही गोलियां रहती है इसलिए से 7 के साथ रीलोड करना है। कोई तो चिल्ला रहा है अंदर, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन है। ओके ये वाला गेट मैंने खोल दिया। ओ भाई साहब इस तरफ में दो बंदे छुप कर बैठे हुए थे, सही टाइम पर भाई मैंने इन्हें देख लिया। दोनों ने भाई साहब मिनी गन ले रखी थी। चलो कोई नहीं ले लेते हैं, इसकी एमो अपने काम आने वाली है। फिलहाल सामने की तरफ तीन तीन बंदे छुप कर बैठे हुए हैं, छुप रखे हैं भाई डर के मारे। ओ
एक बंदा पीछे भी था, चलो इसको भी मैंने डाउन कर दिया। तू तो एक और खाया गंजे, तूने ज्यादा मार दी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल लास्ट वाला रूम रह गया है, जल्दी से हम लोग इसके अंदर पे चलते हैं और देखते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या सीन है। फिलहाल इस तरफ में एक बंदा है, मेरे को इसका सही टाइम पर साउंड आ गया था, बाकी आगे की तरफ में भी एक बंदा बैठा। ओ यहाँ दो बंदे हैं, वही मैं सोचूं भाई सब धड़ाईधड़ ये बजाया जा रहा था इतनी देर से मेरे से। ओके तो यहाँ पर मैंने इसको भी मार दिया, ये भी मिनी गन लेकर खड़ा था, लास्ट ये रूम है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। और यार इस वाले रूम के अंदर भी मुझे डगन बॉस नहीं मिला। भाई साहब ये क्या बना रखा है इन लोगों ने, मतलब कि इधर आप लोग देख रहे हो भाई पता नहीं कौन कौन से वेपन्स इन्होंने रखे हुए हैं, शायद से किसी को किडनैप वगैरह कर लाते होंगे तो उन्हें यहाँ पर भरते होंगे। और एक सेकेंड भाई साहब ये इधर छुप कर बैठा, उठ तेरी ऐसे की तैसी। इसको भाई साहब मतलब पूरा पता था हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं और ये एकदम ना सही टाइम पर सही जगह पर जाकर छुप गया। और अभी ना फिलहाल मैं इसको बहुत गंदी तरह मारने वाला हूँ, उठ बेटा। भाई चाकू लेकर बैठा हुआ है मैं मारने के लिए, एकदम मस्त जगह। ओ भाई एक सेकंड, जान तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ही है, इतना ज्यादा बुढ़ा हो चुका है लेकिन फिर भी भाई रख रख के चाकू मार रहा है। मुझे लग रहा है गाइस हमें भी अपनी गन निकालनी पड़ेगी वरना ये बुढ़ा इसी तरीके से मारते रहेगा। कस के घुसा दिया है दीवार के अंदर जाके इसका मुंह घुस गया। और अभी ना फिलहाल इसको उठने नहीं देना, तू अंदर ही रह, इसको बेहोश कर देंगे गाइस पहले अंदर ही अंदर में। सही जगह पर जाकर ये गिर गया है और अभी इसको उठने नहीं देना वरना भाई इसके हाथ में जो चाकू है ना ये अपने बजा डालेगा, इसकी टांग तोड़ने का मन कर रहा है। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल ट्रेवर और अंडरवाटर माफिया भी यहां पर आ चुके हैं और इन्होंने आते ही भाई सीधा डगन बॉस को बहुत गंदी तरह कूटना शुरू कर दिया है। लेकिन यार इसको ना बात समझ ही नहीं आ रही है। अभी ना फिलहाल चुपचाप से इसे चेयर पे बैठाते हैं, थोड़ा करंट वरंट लगाएंगे ना तो इसको एकदम ढंग से समझ आने वाला है। बाकी तो ये देखो भाई कितनी गंदी तरह पिट रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग ने डगन बॉस को मार कूट के इधर चुपचाप से बैठा दिया है और इसको ना हमने सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड और दिए ये काम करने के लिए कि जल्दी से ये अपने टेररिस्ट को कॉल करे, उनको ये बोल दे कि फटाफट से ना मिलिट्री कर्नल को चुपचाप से छोड़ दो अदरवाइज डगन बॉस मारा जाएगा। और देख लो भाई साहब इसकी भी हालत इस टाइम पर खराब हो गई है, हमने इसे साफ बोला था 10 सेकंड के अंदर कॉल नहीं हुआ तो सीधा तेरी मौत है। और जैसे 10 सेकंड पूरे होने वाले थे इसने कॉल तो कर दिया टेररिस्ट को और देखते हैं वो लोग उसे कहां पर छोड़ते हैं। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल डगन बॉस ने उन टेररिस्ट से कॉल पर बात कर लिया है और वो जो टेररिस्ट है ना वो कोई इसके पर्सनल टेररिस्ट नहीं है, वो सारे के सारे बिग माफिया के भाई के लिए ही काम करते थे। तो इसने ना बस उन्हें एक हिंट दिया था कि तुम मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लो, मिलिट्री कर लो, किडनैप कर लो ताकि बिग माफिया का भाई जल्दी से जल्दी बाहर आ पाए और इसका बिजनेस दोबारा से स्टार्ट हो जाए। लेकिन सीन कुछ ऐसा हो चुका है कि इसके कहने पर उन लोगों ने मिलिट्री बेस पर भी कब्जा कर लिया, मिलिट्री कर्नल को भी किडनैप कर लिया, लेकिन अभी ना इसी के कहने पर वो उसको छोड़ नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ भी कर बिग माफिया का भाई चाहिए, उसके बाद ही हम लोग यहां से जाने वाले हैं। तो अभी ना इसके थ्रू हमने बस उनसे इतना बुलवा दिया है कि उन टेररिस्ट को बस इतना बोल दे कि हम लोग अपने साथ बिग माफिया के भाई को लेकर वहां पर आ रहे हैं, तुम बस मिलिट्री कर्नल को लेकर माउंट शिलाड पर पहुंचो। अब माउंट शिलाड इसलिए मैं इनको बुलाया हूं क्योंकि यार देखो मिलिट्री बेस में इनको मारना ना इस टाइम पर बिल्कुल इंपॉसिबल है और माउंट शिलाड पर गाइस जो अपनी बची-खुची मिलिट्री की आर्मी है ना उससे पूरी की पूरी फील्ड बिठवा देंगे और इनके ऊपर अटैक कर देंगे, इनको हम लोग बिग माफिया का भाई भी नहीं देंगे और फटाफट से मिलिट्री कर्नल को वहां से निकल लेंगे। पूरी फोर्स रेडी है अपने पास, गाड़ी भी काफी ज्यादा तगड़ी है, टैंक आपने देख लिया होगा, लेकिन डर बस एक ही चीज का है कि वो जो इनका शिप है ना अगर वहां पहुंच गया तो सारा काम खराब हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर जो वेपन्स लगे हैं वो पूरा माउंट शिलियार्ड गिरा सकते हैं और साथ के साथ उसके अंदर इतने सारे टेररिस्ट एक बार में आएंगे कि भाई पूछो मत। अभी ना फिलहाल गाइस जल्दी से हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं, ड्राइवर भी दूसरे गेट से बाहर निकल कर आ चुका है। और गाइस अभी ना फिलहाल हम लोगों ने अंडरवाटर माफिया को डगन बॉस के पास ही रुके रहने के लिए बोल दिया है ताकि वो ना यहां से भाग करना चले जाए क्योंकि अगर वो हाथ से निकल गया ना तो ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा, मिलिट्री कर्नल भी मारा जाएगा।